हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए वेलकम टू बॉलीवुड वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री पार्ट 5 का रिएक्शन। एंड लोगों ने हमें बताया कि जब हम लोग गाने सुन रहे थे, मैंने बताया था कि मैंने जब ये खुद और मोहब्बत कर किया तो उसमें पहला कमेंट यही आया कि मैंने जब बोला कि भाई हमने जो पाकिस्तानी सॉन्ग सुने नहीं हुए, तो लोगों ने बोला कि सुने नहीं होंगे लेकिन आपने कहीं ना कहीं जो आपने हिंदी गाने सुने उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच होता ही होता है, हाँ लाइक वो हाँ कॉपीड होते ही होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं जब सर्च कर रहा था, यही मेरे को एक वीडियो मिली कि इसमें लिखा हुआ कि भाई वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री और किस तरीके से कॉपी मारा गया है वहाँ के सॉन्ग्स यहाँ पे। तो देखते हैं, पता नहीं, अब मेरे को लगता है कि हाँ ऑफकोर्स देखो जैसे अच्छे अच्छे जो गाने होंगे कुछ ना कुछ शायद लिए गए होंगे, पर क्या उनकी राइट्स ली गई थी या कैसे लिए गए और कितने कॉपी किए गए, लाइक एक ट्यून कॉपी गई, तो वो चीज़ देखते हैं। और कितने लिरिक्स सिमिलर। और ना परसों मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक सॉन्ग नहीं है कोका कोला करके अभी आया हुआ है वो, तो मैंने वो देखा तो मतलब जो बॉलीवुड का है वो इतना बेकार सॉन्ग आया है, लेकिन जो पाकिस्तान का पुराना वर्जन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो पाकिस्तान में भी इसका न्यू वर्जन आया लेकिन कोका कोला के एड में आया, वो भी उतना अच्छा नहीं था जितना पुराना था। और पुराने सॉन्ग्स की ना बात ही अलग होती है। तो देखते हैं जो इन लोगों ने सॉन्ग्स यूज़ करे, क्या वो, क्या पता वो पुराने हो, क्या पता न्यू हो, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो सुनते गाना कैसे होने वाला है। वही तो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या क्या छापा है, क्या क्या नहीं है। हाँ। फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स ये तो काइंड ऑफ पता है, हाँ ये कॉपी था। मेरे ख्याल से नुसरत फतेह अली खान के सारे सॉन्ग्स कॉपी किए गए। क्या बात है, 1991 में ये मैंने एक्चुअली नुसरत फतेह अली खान का सुना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है। कमाल है, कमाल। अरे इनके सारे गाने चुराए क्या? इमरान खान बैठे, वाह क्या बात है, कमाल है। सारा बचपन क्या वो है, क्या सब कॉपीड था क्या? ये तो कॉपी था। अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे कॉपी है? ये तो कितना फेमस सॉन्ग है हमारा, अभी तक चलता है। यही तेरा तेरा कोई दोष नहीं, तू चीज। अच्छा ये इसका कॉपी किया है लाइक। अरे स्लाइट वैरायटी देके ऐसे कर दिया उसको कॉपी काइंड ऑफ। ओह माय गॉड, हर लड़की स्कूल में डांस करती थी इस गाने पे। मुझे छाप अच्छा लग रहा है ये वाला। मेरे ख्याल से 90s में तो सारे सॉन्ग कॉपी हुए। सीरियसली हम सोचते कि अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपका म्यूजिक कॉपी किया, वेरियस पीपल, बट सबसे बेस्ट कॉपी किसने किया अभी तक? आप किस कौन अवार्ड लेके जाएगा बेस्ट कॉपी? बेस्ट कॉपी जी बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा किया।
इतने सारे गाने कॉपी किए गए हैं और लाइक ये तो पार्ट 5 है, तो इसके पहले 4 पार्ट भी आए होंगे, तो उनमें भी किया होगा, पता नहीं क्या क्या है। एंड साथ में मिली है कि लाइक ये गाने हमारे लाइक इतने इंपॉर्टेंट गाने, लाइक सारे ऐसे गाने जो हम लोग आज भी गाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो सारे कहीं ना कहीं कॉपी किए गए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की राइट्स तो ली गई होंगी, कोई राइट ले गया होगा, ले तो कुछ ना कुछ बात किया गया होगा, कुछ तो हुआ होगा, वरना ऐसे सीधा सीधा कॉपी मारना तो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। लाइक आपको कुछ तो एक उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई हम आपके एक सॉन्ग्स ले रहे हैं। मेरे ख्याल से अनु मलिक ने थोड़ा तो इतना किया ही होगा, नहीं किया तो फिर बहुत ही गलत किया। हाँ सीरियसली। और अगर हम इनकी बात करें नुसरत फतेह अली खान की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इनके जो ओरिजिनल आई थिंक एक कवाली करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी सीरियसली। लेकिन सबसे शॉकिंग तुम्हारे और मेरे लिए भी वो मोमेंट था जब वो आया सॉन्ग तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, हम ऐसे थे कि यार कैसे कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन वो भी कॉपी हो सकता है। जैसे कि तुमने बोला कि इनको राइट्स तो मिले होंगे, वरना ऐसे हर कोई कॉपी नहीं कर सकता, वरना शायद कुछ लीगली एक्शन भी लेना था नहीं तो। और मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, और लिटरली आज के टाइम में ना ऐसे टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। आज के टाइम में सॉन्ग्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो जो पुराने सॉन्ग्स थे ना, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी बात ही कुछ अलग थी। वही, और साथ में मेनली है कि वो जो गाने थे उसमें जिस तरीके से लाइक ये चीज़ देखने वाली है कि लाइक उन्होंने जब अपने टाइम पे गाया तो उनकी कवालियाँ भी चली, और उसके बाद जब वो कॉपी हुई तो उसकी कॉपी तक चली है, तो इतने मज़ेदार उनके गाने थे और उस तरीके से ज़बरदस्त बनाए हुए थे। बट मेनली आप लोग भी ये बताएगा कि लाइक क्या उनकी कोई राइट्स थी या कुछ ऐसी चीज़ मिली थी उनको, बिकॉज मुझे ऐसा था कुछ तो लिया ही होगा, ऐसे सीधा की सीधा कॉपी मारना तो बहुत ही गलत बात है। एंड तब उस टाइम पर वैसे इतना कॉपीराइट या इलीगल चीज़ें होती थी नहीं, पता नहीं अब क्या होगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।